मुसलमानों के बारे में सोचने पर कैसी तस्वीर उभरती है आपके सामने? गरीबों और बेरोजगारों की बड़ी तादाद, कट्टरपंथ के जाल में उलझे नौजवान, अधिकतर अनपढ़ लोग या फिर स्कूली पढ़ाई छोड़कर छोटे मोटे काम धंधे कर रहे लोग। लेकिन ये बात पुरानी सी लगने लगेगी जब आप जानेंगे इस साल की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मेरिट लिस्ट में 51 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने अपनी जगह बनाई है, जिसमें से 5 कैंडिडेट्स टॉप 100 में शामिल हैं। नो डाउट ये उम्मीदवारों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। इन पांचों ने अपनी मेहनत से टॉप 100 में जगह बनाई है। वहीं गोरखपुर की नौशीन यूपीएससी में 9वीं रैंक लाई है। नौशीन इस साल की टॉप परफॉर्मेंस भी बनी है। ये बताता है कि अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत की जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। उनकी सक्सेस से ना सिर्फ उनका समुदाय बल्कि पूरा का पूरा देश इंस्पायर्ड होगा। ये कामयाबी जो इन उम्मीदवारों की झोली में गिरी है, ये अचानक नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो प्रदर्शन बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूँ आपके साथ गायत्री। क्या आप जानते हैं मुस्लिम यंगस्टर्स जो कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है, उसमें देश की सरकार भी अहम रोल निभा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय समेत कई और मंत्रालय हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की कई कोचिंग योजनाओं में पैसा देते हैं और कोचिंग भी कराते हैं। ये बात तो ठीक है कि मुसलमान मोटे तौर पर गरीब, कम पढ़े लिखे और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन इस तस्वीर का एक और पहलू भी है। अगर कोई ये मानता है कि मुस्लिम समुदाय की सोच पुरानी है और वो अपने बच्चों को बस शुरुआती तालीम देना पसंद करते हैं, तो शायद उन्हें हकीकत नहीं पता। बीते 10 सालों में इन मुस्लिम युवाओं में आईएएस, आईपीएस जैसे अफसर बनने का क्रेज काफी बड़ा है। मुस्लिमों की एजुकेशन में थोड़े से सुधार का इफेक्ट खुलकर दिख रहा है यहाँ। ये आंकड़े पिछले 10 सालों के, जो सफलता की कहानी अपने आप ही कह रहे हैं। आइए आपको पिछले 10 साल के आंकड़ों के थ्रू समझाते हैं कि यूपीएससी में जो सफल कैंडिडेट्स रहे हैं उनमें से मुस्लिम कैंडिडेट्स कितने रहे हैं। बात करें अगर 2023 की तो 1016 कैंडिडेट्स में से 51 मुस्लिम थे। 2022 में 943 में से 29 मुस्लिम थे। 2021 में 685 में से 25 मुस्लिम कैंडिडेट्स थे। वहीं अगर 2020 की बात की जाए तो 761 में से 31 कैंडिडेट्स मुस्लिम थे। 2019 में 829 में से 44 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने यूपीएससी क्लियर किया है। वहीं 2018 में 759 में से 28 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने यूपीएससी क्रैक किया है। 2017 में 980 में से 50 कैंडिडेट्स मुस्लिम रहे। वहीं 2016 में 1099 में से 52 कैंडिडेट्स मुस्लिम रहे। 2015 में 1078 में से 34 कैंडिडेट्स मुस्लिम रहे जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। वहीं अगर 2014 की बात की जाए तो 1236 में से 38 कैंडिडेट्स मुस्लिम रहे हैं। ये आंकड़े देखकर आपको पता चल गया होगा कि देश का मुसलमान मौलानाओं की बातों में उलझा हुआ नहीं है। जैसे जैसे मुसलमान शिक्षित हो रहे हैं, उनकी पारंपरिक सोच में भी बदलाव आ रहा है। वहीं जिस तरह केंद्र सरकार ने मुसलमान बच्चों, युवाओं को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने का काम किया है, उसका भी असर है जो आंकड़ों की शक्ल में आपके सामने है। वहीं लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने देश में मुसलमानों की साक्षरता को लेकर ये बताया था कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि पीएलएफएस की तरफ से 2021-22 में किए गए सर्वे के मुताबिक 7 साल और उससे ज्यादा आयु के मुसलमानों में साक्षरता दर 77.7% है, यानी कि मुसलमानों में शिक्षा का लेवल बढ़ा है। सरकारी वेबसाइट UDISE Plus के आंकड़ों पर गौर करें तो मोदी सरकार के आने के बाद मुस्लिम छात्र और छात्राएं अब लगभग दोगुनी संख्या में हायर एजुकेशन तक पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट बताती है जहां 2012-13 में 4.5% मुस्लिम ही 10वीं और 12वीं कर रहे थे, वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 8.4% हो चुका है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय और ज़कात फाउंडेशन जैसी गैर सरकारी संस्थाएं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराती हैं। इस साल जामिया मिलिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग अकेडमी से पढ़ाई करने वाले 31 उम्मीदवारों ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में अपनी जगह बनाई है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 8 उम्मीदवार ज्यादा चुने गए हैं। इस बार 71 छात्रों ने इंटरव्यू दिया था जिनमें से 31 का सिलेक्शन हुआ। इनमें से कुछ को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा मिलने की उम्मीद है और बाकी को दूसरी सेवाएं मिलेंगी। सच ये भी है कि इंडियन पॉलिटिक्स में मुसलमान नेताओं का दबदबा मजबूत हुआ है, जिससे इस आबादी को भरोसेमंद लीडरशिप मिली है। केंद्र से लेकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में मुस्लिम नेता मजबूत स्थिति में हैं
और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बना रहे हैं। उसके चलते भी ट्रेंड्स पर असर पड़ा है और मुस्लिम तबके में बदलाव की चाहत बनी है, जिससे वो आज अमल में भी ला रहे हैं। आज मुस्लिम कम्युनिटी की तरक्की की बात हो रही है, एजुकेशन को लेकर इसे मुस्लिमों का सुनहरा दौर भी कहा जा सकता है। जब पिछड़ी और कट्टर सोच वाली इमेज से बहुत मुस्लिमों की पहचान अब अलग बन रही है, ये समुदाय हालात बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसमें बड़ा योगदान है मुस्लिम नौजवानों का। ये तबका अपनी पिछली पीढ़ी से कुछ अलग है। चलिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।